रास्ते बंद नहीं हुए हैं, पहली प्रतिक्रिया दोबारा बताओ भाई, सभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं, कृषि मंत्री बातचीत कर रहे हैं आपसे, पीएम ने ये कहा है, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया पहले सबसे पहले? और बातचीत कर रहे होंगे, हमने काम नहीं करा, बात कर लो। प्रधानमंत्री ने सर बोला कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, इसको आप कैसे देखते हैं? अरे वे उड़ जा रहे, हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने, एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो देश के किसानों को फायदा होगा। अब एमएसपी पे कानून नहीं है तो व्यापारी आधे में लूटता है उसको, ये काम प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये कानून है वो छोटे किसानों के लिए है, सीमांत किसानों के लिए है और उनके प्रति सरकार जिम्मेवारी है, सरकार उससे मुंह नहीं लगाएगी। अब सारे मसले ये हो गए, पहले पंजाब का था, फिर उसका सिक्का बनाया, फिर अलग अलग बनाया, किसान में भी छोटा बड़ा किसान हो गया। अब इसका अगला एजेंडा क्या रहेगा उनका? ये किसान देश का एक है सर, प्रधानमंत्री का छोटा बड़ा है ना वो है, ये छोटे का ही तो आंदोलन है, ये बड़ों का तो आंदोलन नहीं। ठीक है सर, प्रधानमंत्री जी का कहना ये है कि जो कृषि बिल है उसमें समस्या या समाधान दोनों में से एक रास्ता निकल सकता है, समस्या या समाधान। समस्या का दो बिल्लू को वापसी दे दो, अपना निपट दे दो। मोदी जी एमएसपी पे कानून बनेगा। मोदी जी ने ये भी कहा कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तभी भी लोग प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन ये टाइम जो प्रोटेस्ट है ये है पॉलिटिकली मोटिवेटेड, पॉलिटिशियंस आपको मोटिवेट कर रहे हैं। तो है ही नहीं आज, कहाँ है पॉलिटिक्स वाले, वो आ रहे हैं मिल रहे आपसे, ऑपोजिशन वाले तो रहे ना, उनके टेंट लग रहे, अपना प्रदर्शन कर रहे कहीं बाहर, कहीं कुछ नहीं कर रहा। हाँ अब आगे समझ में, या किसान किसान बिरादरी है आंदोलन करने वालों की, आंदोलन। हाँ तो ठीक ही तो आया, किसान बिरादरी आएगी और इस किसान बिरादरी के साथ में सब लोग आगे, देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा, भूख कितनी लगेगी अनाज की कीमत उतनी होगी, देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। जिस तरह से फ्लाइट के टिकट एक ही दिन में 4 बार उनके टिकट के रेट ऊपर नीचे होते हैं, इसी तरह से अनाज की कीमतें किस आदमी को किस टाइम पे कितनी भूख लगेगी उसकी कीमत, देश में अनाज की कीमत भूख पे तय नहीं होगी। उन्होंने बोला कि अभी रास्ते अभी भी खुले हैं, सदन के रास्ते के थ्रू भी हम न्योता देते हैं, इसे जमीन से जोड़कर कहा है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। यार तुम्हें दिक्कत हो रही है, दूध की भी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, बाहर से दूध बहुत निर्यात हो रहा है, देश का किसान जो दूध का उत्पादन करने वाला है वो मर गया पूर्ण रूप से, लागत ज्यादा है और दूध में जो बिकता है वो कम रेट में बिकता है, पानी से सस्ता देश में दूध बिक रहा, आज भी ग्रामीण उसमें 22 से लगा के और 28 रुपए किलो तक का दूध बिकता है, इससे खर्चा नहीं चलता, उसका भी एक रेट फिक्स हो। लेकिन इस उदाहरण को उन्होंने जमीन से जोड़ते हुए कहा है कि आप लोग कह रहे हैं जमीन चली जाएगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, जबकि पशु नहीं जाता है, उनका ये जोड़ते हुए कहना है। पशु की बहुत संख्या घट गई है देश में, जाएंगे जमीन नहीं बर्बाद होगी, पशु नहीं होगा तो जमीन नहीं रहेगी, तो पूर्ण रूप से ये है कि जो टर्की के हालात है वो यहाँ पे नहीं होने देंगे, वहाँ पे आज एक भी पशु नहीं है। राकेश जी आपके हिसाब से गतिरोध कहाँ है? गतिरोध ये है, आप प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए जिस तरह से गैस के सिलेंडर पे जनता से अपील करी कि सब्सिडी छोड़ने की, आप प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए कि जो सांसद है, जो विधायक है, जो MP है, जो वो पेंशन ले रहे हैं, वो कितने लोग पेंशन छोड़ देंगे? हमारे नौजवानों को पेंशन नहीं है और मेंबर पार्लियामेंट और इनको पेंशन है, तो एक अपील प्रधानमंत्री जी उनके लिए भी कर दें कि जो विधायक MP पेंशन छोड़ दे उसका धन्यवाद करेगा ये मोर्चा। नहीं नहीं, अगर वे बातचीत करना चाहते हैं तो हमारा मोर्चा बात करेगा, हमारी कमेटी बात करेगी, हमारे पंच भी वही है और हमारा मंच भी वही है। दर्शन पाल ने ये कहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो फार्मर्स की गवर्नमेंट है, अब उसका वक्त आ गया, वो गवर्नमेंट को NDA से निकालना चाहिए, तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है किसान नेताओं का, क्योंकि अब पॉलिटिकल होते जा रहा, क्या जा रहा है? नहीं नहीं, कोई पॉलिटिकल नहीं है, वहाँ की जनता की आवाज होगी तो कहा होगा। ठीक है साहब, उत्तराखंड में जो हुआ है क्या किसान वहाँ के लोगों की मदद करेंगे? मदद करेंगे, और हमने पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सब लोगों को जो जिले लगते हुए वहाँ पर जाएंगे, जो त्रासदी होगी उसके लिए संज्ञान में है, प्रशासन को जिस चीज़ की जरूरत होगी वो बताए, हर जिले के हमारे यूनिट उनकी मदद करेगी, और उत्तराखंड में जिस चीज़ की भी जरूरत होगी हर मोर्चे से किसान वहाँ पे, पहले भी जब वहाँ पे गढ़वाल में उसमें
त्रासदी हुई तो वहाँ पर लोग गए और हम पूर्ण रूप से उन लोगों की मदद करेंगे। एक सवाल और है कि जो सदन में चर्चा हुई उसको लेकर प्रधानमंत्री ने सवाल खड़ा किया कि बात केवल आंदोलन को लेकर है, मूल मुद्दे पर बात नहीं हो रही है, विपक्ष भी उस पर चर्चा नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, हम चर्चा करना चाहते हैं। हमने तो कहा है ना कि बिलों को वापसी ले लो, MSP पे कानून बनाओ, ठोस नीति MSP पे बननी चाहिए, देश के किसानों को उसी से ही लाभ होगा। ये कहा है, कह रहे हैं कि कृषि मंत्री पूछ रहे हैं कि कानून में काला क्या है, इसका जवाब हमने ये कहा कि जब वो अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो पहले वो सफेद वो काला निकाल दें, जो बचेगा फिर देखेंगे, पहले वे तो निकाल लें। वे 15 संशोधन करना चाहते हैं उसमें, वे पहले 15 करे और फिर बतावे, तो इसका मतलब काला है, वे बतावे कौन कौन सा काला है। वो एक नई जमात पैदा हो गई है जो आंदोलन के बगैर नहीं रह सकती, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो CA में भी देखे गए थे और इन आंदोलन में भी देखे जा रहे हैं, बात कही है। यहाँ तो नहीं कोई आया। ऐसा 12 करोड़ से ज्यादा ऐसे किसान हैं जिनकी जोत 2 हेक्टेयर से भी कम है, और ये आंदोलन उसी का ही तो है। तो प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं कि हमें उनकी चिंता है और हमें भी तो उनकी चिंता है। भाई पहले जो 2 हेक्टेयर से किसान कम लोग हैं, पहले उनकी 6,000 से बढ़ा के उनकी आमदनी बढ़ा दो, उनकी पहले 24,000 कर दो, सेकंड फेज में दूसरे का उन किसानों का कर्जा माफ कर दो, पहले छोटे किसानों का कर्जा माफ हो जाए। ठीक है, थैंक यू सर। MSP देने के लिए तैयार है, किसान अड़ा हुआ, MSP जारी रहेगी, ये मांग क्या कर रहे हैं, खरीद होगी, ये हमारी मांग है। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको ऐसी योजनाओं से किसानों को जोड़ना होगा जिसके माध्यम से किसानों की आय बढ़े, निश्चित हम स्वागत करेंगे, लेकिन वो बार बार हम ये कह रहे हैं कि योजनाएं का कोई मतलब नहीं जब तक किसान को उसकी फसलों के दाम नहीं मिलते हैं। और दाम ये जो आज कीमतें सरकार तय की, हम ऐसा नहीं है कोई दाम कीमतें अपने हिसाब से तय करके मांग रहे हैं, हम वो कीमत मांग रहे हैं जो सरकार तय करती है, उस पर सुनिश्चित करे, जब तक उस पर सुनिश्चित नहीं होता तब तक किसान का गुजारा नहीं होगा। किसी तरह से आय दोगुनी करने की प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वो उनको कीमत देने के लिए तैयार नहीं है। कैसे आय बढ़ेगी, कैसे जब तक बाजार में उसकी कीमत नहीं मिलेगी आय बढ़ नहीं सकती है। योजनाएं कौन सी योजनाएं हैं जिनसे वो जोड़ना चाहते हैं, आज जितनी भी जो गई हैं बजट में, पिछला बजट था, ये बजट था, जितनी भी नई योजनाएं बनाई गई हैं, जो एलोकेशन है वो एग्री बिजनेस से जुड़े हुए लोगों की तरफ जाता है, किसान की तरफ कोई भी योजना जा नहीं रही है। कभी भी किसान को कंसल्टेशन में लिया नहीं जाता है, प्री बजट कंसल्टेशन हो उसमें रियल फार्मर का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, उसमें वो इंडस्ट्री के भेजे हुए प्रतिनिधि जो नकली किसान नेता होते हैं उनसे ओपिनियन लेके साइन करा के एक बजट बना दिया जाता है। जब तक धरातल पे नहीं आएंगे, जब तक धरातल पे आके बजट नहीं बनेंगे, एलोकेशन धरातल पे आके नहीं होगी, तब तक किसान का कोई भी भला नहीं होगा, ये हमारा मानना। यशवंत जी एक मिनट, जैसे आज प्रधानमंत्री ने बोला कि किसान आंदोलन वापस होगा उसके बाद बात करना, तो इसका मतलब आंदोलन वापस होने के लिए कोई बातचीत चल रही है वैसे ही? ये गलतफहमी है प्रधानमंत्री, कोई भी आंदोलन इसलिए नहीं होता कि आंदोलन करके वापस ले लें और फिर हम सरकार से बात करें, बात तो अभी होगी, प्रधानमंत्री के कहने से यहाँ नहीं आए, अपनी में आए। प्रधानमंत्री को बार बार हम अपील कर चुके हैं कि जब चाहे जिस टाइम चाहे ये किसान वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन ये कहना आंदोलन वापस होगा तब बात होगी तो ये गफलत है प्रधानमंत्री की। ये आंदोलन बरसों भी चलने के लिए तैयार है, इसी तरह से ये किसान आंदोलित रहेगा। हमने ये तय कर लिया, हम हरियाणा से निकल के अगले सप्ताह में राजस्थान में अपनी मीटिंग शुरू करेंगे, ये महाराष्ट्र के भाई मीटिंग लेने आए हुए हैं, ये तमाम महाराष्ट्र के नेता महाराष्ट्र में राकेश जी जा रहे हैं, तमिलनाडु के साथी मेरे परसों आए हुए थे वो ऑलरेडी प्रोग्राम लेके चले गए, पूरे देश में इस हर प्रदेश में ये आंदोलन खड़ा होगा, एक जन आंदोलन होगा जो इतिहास में कोई आंदोलन दुनिया में ऐसा हुआ नहीं होगा, ये दिमाग में उनको समझ सोच लेना चाहिए। उनका कृषि मंत्री संयुक्त मोर्चा संगठित है, संगठन आप ये पूछना था, बिल्कुल संगठित है, संगठन आप कोई भी निर्णय राकेश जी ने कल मंच के बाद जम से कहा, राकेश जी हजार दफे इस बात को कह चुके हैं, फैसला जो भी होगा किसी एक संगठन का नहीं होगा, संयुक्त मोर्चे का होगा,
संयुक्त मोर्चा जो निर्णय लेगा वो ही सबको मान्य होगा, कहीं उसमें कोई दरार नहीं है, कोई टूट फूट नहीं है और किंतु परंतु बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, बातचीत ही करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि MSP है ही और रहेगी, और ये भी कहा है संशोधन से होगा। अब बातचीत से ही बात निकलेगी, एक तरफ वही बात रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बातचीत अगर होगी तो कोई मसले का हल होने का बातचीत मतलब बातचीत प्रधानमंत्री ने कहा एक टेलीफोन की दूरी पे है किसान और सरकार। हमने कहा वो नंबर दे दें जो जिस नंबर से हम सरकार को कहें कि हम आने के लिए तैयार हैं, वो जगह बता दें। आज तक किसी ने नंबर भेजा नहीं, हम तो पिछले 10 दिन से उस नंबर का इंतजार कर रहे हैं, और हम भी ये मानते हैं बातचीत से निकलेगा, इसीलिए बातचीत की बात भी कर रहे हैं। निर्णय तो बातचीत के बगैर कोई भी नहीं होता, प्रधानमंत्री की बात से सहमत है, लेकिन बातचीत ये कहना कि आंदोलन खत्म होगा तब बातचीत होगी, तो ये तो नई परिपाटी प्रधानमंत्री से। आंदोलन कर रहे हैं ना, ये आपके साथी को कह रहे हैं। यहाँ हमारे जो सबसे बुजुर्ग जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, 97 साल की उम्र है उनकी, वो सुभाष चंद्र बोस की INA में थे, वो यहाँ 26 नवंबर से यहाँ पे हैं। उनको घर छोड़ा आने की बात करें तो वो ये कहते हैं मर जाऊँगा जाऊँगा नहीं। कोई भी व्यक्ति हमारे हाथ में नहीं है, कोई लौटना नहीं चाहता। बच्चे तो एक आध दिन घर चले भी गए होंगे, लेकिन जितने सीनियर हैं वो तो उन्होंने तो एकदम ऐलान कर रखा है कि कोई भी जाएगा नहीं यहाँ से। अहम सवाल है सर, आपसे राकेश टिकैती, आपसे एक अहम सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संबोधित किया राज्यसभा में, कहा कि एक आंदोलन चल रहा है, जो आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक जमात तैयार कर रखा है, तो क्या जो भी समर्थन कर रहे आ रहे हैं, संत हो महंत हो, ये सभी जमात है? वो जवाब देंगे भाई, संत महात्माओं को अगर आंदोलन की संगति है तो उसका जवाब संत महात्मा ही देंगे। ये सारे संत महात्मा आ रहे हैं, शंकराचार्य आ रहे हैं, वे आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं और उनका हमेशा समर्थन रहा है, वो चाहे आज़ादी की लड़ाई हो या कोई भी लड़ाई हो या किसान संगठन रहा हो, उसमें हमेशा संत के सामने मत करो, डरते जाओ। सर एक इंटरनेट पानी और बिजली की व्यवस्था के लिए जो बात है, वो कह रहे हैं कि वो सारी व्यवस्था सुधार रूप से चालू है, तो उसके आपकी प्रतिक्रिया उस हिसाब की है नहीं, उस हिसाब की है उसको बंद कराओ उसे। ये तो चलता रहेगा ना, अपनी जो सामाजिक बात है वो भी तो करते रहना चाहिए, तो सामाजिक बात है। देखिए कल एक मीटिंग थी, नड्डा साहब गए थे, पत्रकारों ने पूछा कि बैरिकेडिंग तोड़ दी है, तो नड्डा साहब कह रहे हैं जन सैलाब में बैरिकेडिंग नहीं रुकती है, हमारी बैरिकेडिंग रुकती है तो वो वायलेशन है, हम पे सैकड़ों मुकदमे दर्ज किए गए और उनकी बैरिकेडिंग टूट रही है तो उनका BJP का अध्यक्ष कह रहा कि जन सैलाब में ऐसी चीजें होती रहती है। ये दोनों चरित्र है, आज दिल्ली में क्या हो रखा है, हमारी गाड़ी पे अगर आंदोलन का स्टिकर लगा तो दिल्ली पुलिस के लोग उसको उत्पीड़न करते हैं, चलान करते हैं, किसी का झंडा है उसका चलान करते हैं। ये डेमोक्रेसी में नहीं है, ये डेमोक्रेसी के साइन नहीं है, देश तानाशाही की तरफ जा रहा है और देश की तानाशाही की प्रवृत्ति को रोकने के लिए भी ये आंदोलन जो है बहुत ही कारगर हथियार के रूप में काम करेगा। हम तो सब देश के नागरिकों से ये अपील करते हैं कि ये जन आंदोलन केवल किसान का नहीं है, क्योंकि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसमें किसान तो मरेगा, व्यापारी होल्ड करके किसान को तो मारेगा, लेकिन अल्टीमेटली कंज्यूमर को मारेगा। हम तो आह्वान करते हैं कि कंज्यूमर भी इस आंदोलन में आएगा तो बचेगा, ना तो अगला नंबर किसान के बाद कंज्यूमर का। आपने जो पौधा लगाया जी, आपने जो पौधा लगाया है, आपने जो पौधा लगाया है वो कितना बड़ा हो गया सर? तो सवाल पूछ रहे हो यार।